भूमि उपजाऊ नहीं हुई तो साला इज़राइल का बीज भी नहीं उगेगा, और भूमि पोली हुई उपजाऊ हुई तो चोमू का फटा हुआ बीज भी उग जाएगा। आपकी जिंदगी में पहले भूमि उपजाऊ होना जरूरी है। बनना चाहते हो अगर चैंपियन, बदलना होगा, बदलना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा जिंदगी में। जो आपको यहां तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता। व्यक्तिगत कठोरता को मिटाना होगा, मिटाना होगा व्यक्तिगत कठोरता को। आपके भीतर पूरी दुनिया समा जाए इतना विशाल हृदय करना होगा। चैंपियन का हृदय बड़ा होता है, चैंपियन का दिल बड़ा होता है, चैंपियन का कलेजा बड़ा होता है। आप बनने जा रहे हो अगर चैंपियन, तो टीम वर्क और व्यक्तिगत कठोरता में पूरी तरीके से भिन्नता है। व्यक्तिगत कठोरता कहां से शुरू होती है? बच्चों के साथ बिहेवियर, पत्नी के साथ बिहेव, आप माँ बाप के साथ कैसा बिहेव करते हो, फिर उनका असर आपके आसपास के पड़ोसी पे, फिर इकाई पे, फिर आपके आसपास के मोहल्ले पे, फिर आपके दोस्तों पे, फिर रिश्तेदारों पे, फिर आपके बिजनेस पे। जो मूल स्वभाव आपका है वो कुछ दिन ढक सकता है बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, लेकिन एक दिन फिर बाहर आ जाएगा। और जिसका भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर वो नहीं बदलता वापस। एक बार दूध में से घी बन गया, अब घी दोबारा दही नहीं बनता। ऐसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, बहुत में से थोड़ा अर्क निकालते हुए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। व्यक्तिगत कठोरता नहीं चाहिए। दुनिया में वही व्यक्ति सफल होंगे जो परिवर्तन करने में उस्ताद होंगे। क्या करने में उस्ताद होंगे? कितना दर्द होता है, रोज पेंट पहनते हो, दायां पांव पहले डालते हो, कल बायां डालना, आपको लगेगा क्या डाला है, कहां डाला है, पकड़ में नहीं आ रहा यार। इतना सा परिवर्तन सहन नहीं होता बॉडी से। आप बिस्तर में जिस तरफ सोते हो उसके अलावा दूसरी तरफ सो के देखो, आप कहोगे आज मजा नहीं आया, नींद में मजा नहीं आया। इतना सा सहन नहीं होता है। परिवर्तन को सहन करना ही चैंपियनशिप है। परिवर्तन सहन करने होंगे। उस्ताद होंगे दुनिया में वो लोग जो परिवर्तन में मास्टर होंगे। सर्वोच्च उपलब्धि तक जाने के लिए वो उन दिशाओं में भी जाने के लिए तैयार होंगे जो अनदेखी अनजानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरी लाइन में ये दो शब्द अब मत भूलना जिंदगी में। जो इंसान में परिवर्तन की ऊर्जा है वो अपनी संभावनाओं को वहां तक विकसित कर लेता है, वो उन दिशाओं तक भी पहुंच जाता है जो दिशाएं अनदेखी अनजानी सी, पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। इस चक्कर में तो कई जाके कुएं के पेंदे में पड़ते हैं, है ना। इसमें तो मजा आता है लोगों को। अनदेखी अनजानी सी, ओके, जाएगा किधर? कुएं के पेंदे में। अलग रास्ता है। उठेगा कैसे जब जिंदगी के परिवर्तनों के लिए, सर्वोच्च उपलब्धि तक जाने के लिए उन दिशाओं को भी एक्सप्लोर कर भाई जो अनदेखी अनजानी है। इसका मतलब क्या? आने वाले टाइम पे आप जितना आगे बढ़ोगे उन अंधेरी गलियों को भी ढूंढ निकालोगे, उन रास्तों को भी ढूंढ निकालोगे जो अभी तक बंद पड़े हैं, तो दुनिया जहां तक पहुंचेगी आप तब तक भारत के कोने कोने को नाप चुके होंगे। आपको मैं सही कह रहा हूं भाई, अनदेखी अनजानी दिशाओं को वो एक्सप्लोर कर पाता है जो तैयार रहता है। आजा होगा जो देखा जाएगा साला। परिवर्तन के लिए आहट मेरे अंदर आएगी और मैं बदलूंगा।